इन दिस डायग्राम इट इज़ गिवन दैट दैट इज़ द वीआई ग्राफ, आप देख सकते हैं ग्राफ है, एंड हमें ये प्रूफ करके बताना है। और उसने दे रखा है देर आर द थ्री रजिस्टेंस आर यूजिंग R1, R2 एंड R3। इन तीनों ग्राफ को जब लेबलिंग के थ्रू उन्होंने एक्सप्लेन कराया तो दैट इज़ द ओ ए, दैट इज़ बी एंड दैट इज़ सी। सो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन की डिमांड ये है कि बताइए इसमें से ओ ए सीरीज होगा कि पैरेलल, ओ बी सीरीज होगा कि पैरेलल, और ओ सी सीरीज है या पैरेलल, ये इस क्वेश्चन की डिमांड है। सो सपोज हम केस नंबर फर्स्ट सॉल्व करते हैं और हम सभी को सीरीज में रख देते हैं। सो अगर हम सीरीज यूज़ करते हैं R1, R2 एंड R3, सो हम जानते हैं कि हमें जो सीरीज जो R मिलेगा वो हमको सबसे ज़्यादा मिलेगा। तो ये केस नंबर हमने फर्स्ट ले लिया। सो केस नंबर फर्स्ट के हिसाब से अगर देखिए हम अगर यहाँ पे एक ड्रॉ करें, एक लाइन ड्रॉ करें ऐसे इस पॉइंट पे, तो देखिए तीनों में सेम अमाउंट में करंट फ्लो करेगा क्योंकि ये लाइन पैरेलल है इसके, बट आप देखेंगे तो पोटेंशियल जो होगा वो सबका अलग अलग होता जाएगा। यहाँ पे पोटेंशियल V1 आ जाएगा, इधर V2 आ जाएगा, इधर V3। सो इस केस में देखिए करंट कॉन्स्टेंट हो गया और आप देखेंगे यहाँ पे पोटेंशियल वेरी कर रहा है। सो अगर ओम्स लॉ लिखते हैं V = IR, तो ये ओम्स लॉ हमें 3 times यूज़ करना है। सो पहले तीनों के रेजिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट रेजिस्टेंस जो हमें मिला वो हमें मिला RS सीरीज का। अगर मान के चलिए हम कोई भी 2 को यूज़ कर लेते सीरीज में और फिर हम यूज़ करते एक को इस तरह, तो एक पैरेलल कॉम्बिनेशन होता। सो हमें यहाँ पे सेकंड रेजिस्टेंस मिलता पैरेलल के फॉर्म में। अब अगर हम इन दोनों केस को ही स्टडी करें, फर्स्ट को और सेकेंड को, तो सीधी सी बात है RS जो होगा वो ग्रेटर होगा किससे, RP से। सो इसका मतलब अभी तक ये रेजिस्टेंस सबसे ग्रेटर है और ये रेजिस्टेंस सबसे कम है। अब हम एक काम करते हैं थर्ड केस स्टडी करते हैं और तीनों रेजिस्टेंस को हम एक काम करते हैं इस तरीके से अरेंज कर देते हैं लाइक दिस, इस फॉर्म। अब आप जानते हैं जब इस फॉर्म में अरेंज करेंगे तो कोई हमें R' और पैरेलल मिलेगा। अब आप अगर इस रेजिस्टेंस RP जो पैरेलल है और R'P को कंपेयर करें तो सीधी सी बात है R'P जो होगा वो स्मॉलर होगा और R' P क्या होगा, ग्रेटर होगा। सो इस इंटायर कंडीशंस में हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस है दिस का। तो अगर सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस है और ये VI ग्राफ है, सो उस कंडीशन में O और C जो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा सीरीज को, OB जो है वो रिप्रेजेंट करेगा पैरेलल के साथ पूरे सीरीज कॉम्बिनेशन को या सीरीज के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन को, और OA जो रिप्रेजेंट करा वो कम्प्लीटली पैरेलल को रिप्रेजेंट करेगा। सो देखिए हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं OC जो होगा वो पूरी तरह से सीरीज होगा, O जो B होगा वो सीरीज के साथ प्लस पैरेलल होगा, लेकिन जब आप OA लेके चलेंगे तो वो कम्प्लीटली क्या होगा, पैरेलल होगा। तो डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हैं 3 types के आपको कॉम्बिनेशंस मिलेंगे।